ओहो, somebody is so happy. चलो let's shopping. Hey guys. Good morning. Da Nang morning. So आज है day 5 और हम लोग जा रहे हैं यहाँ number 1 destination explore करने. Da Na Hills. Yes. So Da Na Hills में जाएंगे अपन और enjoy करेंगे. हमारी tour company जो है यहीं पे हमें pick करेगी और हमने यहीं से booking किया था. तो staff बहुत अच्छे हैं, वो time to time update भी ले रहे हैं कि सर आप 10 minutes wait कर लो, आपका गाड़ी आने वाला है. ये सब पूरा अच्छा information है और WhatsApp में मुझे पता चल गया कौन सी गाड़ी आएगी पिक करेगी. इवनिंग होते होते आराम से हम लोग को यहाँ पे आते आते आई थिंक 6 और 6:30 हो जाएगा या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही 1 आवर 1.5 आवर की जर्नी है. फिर वहाँ पे भी पूरा हिल्स में बना हुआ है, तो इट विल बी अमेजिंग और इट्स अ मस्ट विजिट. सो आप भी आइए, हमारे साथ एक्सप्लोर करिए. सो अभी हमारी बस आ चुकी है और हमारे साथ सेम होटल में है. हेलो तो अच्छा है कंपनी अभी से मिल गया. आप कहाँ से? बॉम्बे. बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर फुल इंडिया आ गया. अच्छा लगता है, इट्स लाइक पिकनिक. Hey guys, welcome to Da Na Hills. तो ये हमारे गाइड है, उनका झंडा फॉलो करना पड़ेगा. हम लोग गोल्डन ब्रिज में जाने वाले हैं और तो देखिए केबल कार से यहीं से दिख रहा है. चिंचाओ. तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं Da Na हिल्स में, है ना? हाँ. ऐसा लग रहा है कोई राजघराने में घुस रहे हैं. महल महल. चिंचाओ. आओ चिंचाओ, आओ ना. हम लोग फिर से होय एन पहुँच गए हैं. होय एन जैसा है यहाँ पे. हेलो, दैट्स सो नाइस, जस्ट लाइक होय एन, राइट? या. पूरा ही फॉरेस्ट जैसा ही है, बहुत अच्छा है. सुपर अमेजिंग. तो कुछ ऐसे लगता है. तो हमारी राइड हो हम लोग हाइट में है. Mm. 20 minutes का राइड है and it will be like 5 किलोमीटर long. Ranjana is always busy for her Instagram. No, nothing like that. I'm not crazy for this. और यहाँ से तो हम लोग को बीच भी दिख रहा है एंड सिटी भी दिख रहा है और ये नीचे द फुट हिल्स ऑफ Da Na हिल्स. वे वी आर गोइंग ऑन द टॉप, इट इज वेरी फैंटास्टिक. द विंडोज आर आल्सो गेटिंग ओपन सो यू कैन गेट फ्रेश एयर. बहुत ठंडा हवा आ रहा है, तो इट्स लाइक चिल्ड एसी. तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली. बातें करते करते हमारे साथ में दिल्ली से हैं ये और उनका ससुराल है MP में. आते ही रंजना को सोविनियर शॉप्स वगैरह मिल गई है शॉपिंग के लिए. तो मतलब मुझे यही सब अट्रैक्ट करता है. हाँ. इतना वो ब्रिज भी मुझे नहीं अट्रैक्ट. तो ये आ गया गोल्डन ब्रिज. ओह सो फाइनली I have to the top photo, have it 2 hands. Okay. Yeah, oh yeah. तो कैसा लग रहा है Da Na Hills? बहुत अच्छा. Is it worth the hype? Absolutely. तो आज थोड़ा क्राउड कम है, लेकिन बहुत अच्छा आ रहा है और सभी की पसंदीदा जगह है गोल्डन हैंड. ओह. Welcome to the. Em đi trên này đi, lát anh đưa em xuống. Amazing. So, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इंस्टाग्राम में फील करते हो, बट ओरिजिनल जब आप आते हो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आपकी आती है. वहाँ से एंट्री है और धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, कोई रश नहीं है और आगे हम लोग जाएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। This is real Ba Na Hills. Nice. और बैकग्राउंड म्यूजिक तो पूरा चार चांद लग जा रहा है भाई। Exactly. There it's little less crowded. Oh, तो ये है तो मेन अट्रैक्शन और यहीं पे हम फोटो खिंचवाएंगे। Amazing. Amazing, amazing, amazing. तो स्टार्ट ही हुआ है। मतलब वो लगता है ना इंस्टाग्राम पे पहले हम कहते हैं बाबा ये प्ले कहाँ की है यार ये यू करके, तब हम लोग ने वियतनाम के लिए इंटरेस्ट लिया। ये लोग कितने खुश हैं यहाँ पे। Absolutely. And actually nobody is paying attention towards the second hand, so most of the crowd is at first hand. हाँ. So we got this opportunity to click videos, photos all together. Amazing, thank you so much. तो पहले आने का ये है फायदा। Golden Beach तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक से एक जगह है जो फोटो अच्छी फोटो आई है। Amazing. Right? So this is the best place. अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से अभी तक का जो बेस्ट एक्सपीरियंस हो। मतलब मुझे क्या होता है ना, चिल्ड प्लेस हो, मतलब एसी जैसा, तो वैसे ही अच्छा लगता है। सब लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे आके, सबके फेस पे स्माइल है तो और भी अच्छा लग रहा है। तो एक्चुअली इसका नाम बा ना हिल्स तो है, बट हम लोग इसका नाम एक रखेंगे स्वर्ग की दुनिया। ऐ लड़का तो पानी क्यों गंदा क्यों कर रहा है? I will come to this shop. Oh, favorite point. जाना है? I will be coming back. रंजना का फेवरेट थिंग। See oranges. हाँ यार, रियल है क्या? रियल है। Oh my God, it's so lovely. कितना अच्छा लग रहा है। वाओ। ऐसा ही हमारा बागान होगा। एकदम ऐसा लग रहा है ना वो जो हम लोग कॉफी प्लांट्स में गए थे बाली में। हाँ, दैट लुवाक। लुवाक कॉफी, यस। वो कितना अच्छा गार्डन है, इससे दिख रहा है। ओह नाइस। गाइस यहाँ पे फूड पे इतना अच्छा एरोमा आ रहा है ना कि एकदम भूख लगने लग गई है। अभी ब्रेकफास्ट करके आए थे। वो वाह यार क्या गार्डन है। तो अभी हम लोग यहाँ का पगोडा जा रहे हैं और बहुत ही बोला जाता है फेमस है, तो देखते हैं। ओ Every place is totally different, na? Yes. पर देखो। Oh. तो यहाँ पे आप प्रेयर भी कर सकते हैं। और शूज उतार के आपको अंदर जाने का अलाउड है। बुद्धि जी को देखो तो लग रहा है वो हम लोग को देख रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे से आँख खुले हैं, देख रहे हैं। ये देखो, देखिए हम लोग इंडिया से आए हैं आपसे मिलने। हम लोग बैंकॉक भी आए थे। आप तो इंडिया से यहाँ आ गए। अगरबत्ती वगैरह लेके आप पूजा कर सकते हो। तो वहाँ से आप नीचे आ सकते हो और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ये टेंपल बना हुआ है। अमेजिंग है यार। ऊपर। और ये है बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, और ये भी बुरा ना सुनो, ये कान से। वो सुपर यार, वाओ क्या टेंपल है। बुद्ध जी यहाँ पे ही है सामने, यहीं से सर झुका लेते हैं। रोज एंजल लगता है किसी और ही एरा में आ गए हैं। फेरी टेल्स सुपर, येलो वाले तो कितनी अच्छी है। ओह, बच्चों के साथ स्कूल जाते हुए क्या पढ़ाई किए हो? They are in the love garden. स्कूल बंद करके गार्डन में घूमने आए ये लोग। रोज गार्डन में एक रोज आ गया है। गाइस आपको क्या लग रहा है हम लोग कहाँ आए होंगे? आप तो ये है शॉपिंग सेंटर। सो आई टेल यू व्हाट, दिस इज लिनन। तो अगर लिनन का कुछ मिलता है तो 3,20,000, 3 लाख है ना, 1,200। इट्स वेरी वेरी रीजनेबल यार, 1,000। ठीक ठीक। हाँ, यहाँ पे लिनन के 1,000 रुपए के 1,500 1,800 से एक शर्ट स्टार्ट होती है, पूरी ड्रेस मिल रही है। सो यू हैव हार्डली 20 मिनट्स, देन वी हैव टू गैदर। सो रंजना की शॉपिंग की स्पीड देख लीजिए कितनी तेज है, फटाफट। और पता है रंजना के साथ एक चीज और है, जैसे हम लोग जाते हैं तो अभी मैं पूरा सीनरी वगैरह देख रहा ना, तो ये क्या करेगी, देखती रहेगी स्कैन, कौन सा कपड़ा कहाँ पे है, कहाँ पे, वहीं आना है उसको। पता नहीं इतने सारे ऑरेंज कलर हो गए हैं, लेकिन स्टिल मेरा मन ही नहीं भरता। लेकिन ये बहुत प्यारा है। This one is nice and this button down is nice. This is very comfortable. Same price? See, it's cheaper. ये तो cheaper है यार, 2,90,000। सो ये ऑलरेडी परचेजिंग हो रही है हमारे सेकेंड डेस्टिनेशन के लिए, एंड दैट इज सरप्राइज। आपको गेस करना है विच इज आवर सेकेंड डेस्टिनेशन, नेक्स्ट कंट्री। गाइस मेरे लिए भी शॉपिंग हो रही है, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तो अभी यहाँ पे पहना के दिखा रहे हैं। ओह नाइस, सो दिस इज बेटर राइट? या दिस इज गुड। सो आई एम टेकिंग। गाइस गेस करिए कौन सा ट्रिप हो सकता है? 10 मिनट बाकी हैं, तो आई जस्ट गेट इट डन। और रंजना की स्कैनिंग नजर जो है सब स्कैन कर रही है, ये देखिए। तो रंजना तो मिलियन की शॉपिंग कर ली। थैंक यू। ओहो, somebody so happy. चलो let's शॉपिंग। तो हमें लिनन में बहुत अच्छी डील मिल गई है। 4 कपड़े लिए हैं, ऑन एन एवरेज हमें 700 to 750 रुपीज़ पड़ा है, जो कि इंडिया में तो ऑब्वियसली एक शर्ट तक नहीं मिलती है, 2,500। That's why we are more happy. तो हम लोग ऑलरेडी एक फिर से केबल कार में बैठ गए हैं, और इस बार हम लोग जाएंगे कैसल में। तो नीचे से देख रहे थे, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आ रहा था। वो अमेजिंग। विच कैसल यू वांट? द ब्राउन वन फॉर रंजना एंड दिस पिंक फॉर मी। ओ वहाँ पे और भी ऑप्शन है, द ग्रे वन। तो हम लोग तो ऐसे ही देख पा रहे हैं, बट दुनिया में सुपर रिच लोग हैं जिनके पास ओरिजिनल कैसल्स भी हैं, और ये सब हमारे ग्रुप मेट है, टीम मेट। ओह नाइस। ओह सुपर कोल्ड। पूरा हिलते डुलते आए, गर्ल्स प्रिंसेस की तरह आई है यहाँ पे। हाँ यार, कैसल में तो प्रिंसेस जैसे आई है, देखिए ये। बट हम लोग भी कम थोड़ी ना है। नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्लेस आई प्रेफर सेलेक्टिंग द क्लोथ्स एंड फुटवेयर्स। और आपका स्वागत है फ्रेंड्स विलेज में। अमेजिंग, अमेजिंग राइट? या यहाँ पे इवेंट शो वगैरह होता रहता है, पहले हम लोग देखते क्या करेंगे। ओह व्हाट अ प्लेस यार, है ना? अमेजिंग। माय कार विंटेज, इतना क्यूट है ना, बहुत क्यूट। ये पूरा जो है हैलोवीन स्टाइल में बना हुआ है। गाइस यहाँ पे एक दो नहीं, यहाँ है पूरे कद्दू की दुकान। एक साल का। That is pumpkin garden। और ये ओरिजिनल है, 37 kg का है। तो हमारे पास अभी तो बियर की भी टिकट है जो कि हम फ्री में एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें थोड़ा भूख लग रही है तो हम लोग ट्राई करेंगे इंडियन। तो ये है भारता। लंच तो स्टार्ट हो गया है और मैं अपनी प्लेट ले आया हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा ऑप्शन है, दैट्स व्हाई दे से लाइक डोंट वेस्ट द फूड। एंड मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैन काउंटर अलग है, प्योर वेज जितनी भी डिशेज होती है वो सब है। तो मैंने आज पूरा वो लिया है और मैं देख रही हूँ गोल की प्लेट में उसने पूरा बारबेक्यू लिया है। मैंने तो एक एक उठाया है, इसमें दिखाता हूँ कितना ऑप्शंस है। और अगर आपको नॉनवेज भी चाहिए तो अलग से काउंटर्स हैं और अच्छा है, बहुत टेस्टी एकदम घर जैसे। ये हो गया छाछ गोभी मंचूरियन। तो यहाँ पे एक लीव्स होती है अलग से, उसमें ये फ्राई है, ये है समोसा और ये यहाँ के कुछ स्टिकी राइस है। दिस इज रॉ मैंगो राइट, आई हैव टेस्टेड, बहुत टेस्टी है ये। दिस इज पिकल, हाँ रॉ मैंगो का ना। और ये पकोड़ा है और ये तुम्हारा फेवरेट पोटैटो स्टीर फ्राई। और मैंने यहाँ कुछ मिक्स कर दिया, राइस दाल तड़का और ये चना है और डेजर्ट अलग से। तो अभी हम लोग ये खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे। बाय बाय। बहुत ही अच्छा हम लोग का लंच था और वेदर कितना सुहाना हो चुका है, बहुत ज्यादा। तो लंच करने के बाद हम लोग एक जगह और आ गए हैं, बताइए कौन सी जगह हो सकती है। और रंजना पहले आई है तो रंजना इज ऑलरेडी स्टार्टेड शॉपिंग। दिस इज अ रियली थिक फैब्रिक, तो आई थिंक दिस वन, या दिस वन क्यूटी कैट है, चाहिए ले लो। और येलो वाला, येलो वाली अच्छी लग रही है, येलो अच्छी है। तो बाना हिल्स का हम लोग मैग्नेट भी ले रहे हैं, तो आप बताइए कौन सा अच्छा होगा, ये ले लेते हैं। सो ऑलरेडी हम लोग के 3 आइटम्स हो चुके हैं और रंजना की स्कैनिंग नजर, माय स्कैनिंग नजर वर्क्स लाइक दिस। यही तो यादें होती हैं, इसी को आप जाके अपने घर में यही देखते हो, तो इसीलिए शॉपिंग जरूरी है। तो ये यहाँ की चर्च है, फ्रेंच स्टाइल। I've never gone into church. Yeah. So, अच्छी बात है कि फोटो भी अलाउड है यहाँ पे। वाह यार। अभी गेस करिए हम लोग कहाँ पे हैं? हैरी पॉटर। वाह, तो यही यूनिवर्सिटी में हैरी पॉटर पढ़ाई किया है, चलो मिल के आते हैं। ओह वाह। ओह वाह, व्हाट अ म्यूजिक। ये देखिए कारवासल। तो ये कूपन मिला था बियर का। We have come up to this Pock Mart and I have selected fish here I wanted to take this but they said that it will be random. तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो ऐसे ओपन करके नहीं दिखा सकते, तो या तो पूरा लीजिए या तो रैंडम लीजिए, तो देखते हैं कौन सा खुलता है करने के बाद हम लोग इसको। मुझे लग रहा है ये वाली आएगी, तो मैं ये वाली चाहिए, तो देखते हैं कौन सा है। लेट्स सी। और ये देखो, ये दिस इज द सैड क्लब, इट्स वेरी क्यूट, स्पेशली दिस। ये अपूर है जो सिर्फ काम करके सोता है। It's you. So cute, so cute. It's you. This one is you. This is also random. Random. Oh. Six. देखो. Oh. ये अच्छी लगी. और ये भी. ये भी. ये भी अच्छी. इतना tempting है यार. इसीलिए मैं समझी यार, जितने भी है ना बाहर देखा पूरे पूरे बैग्स फुल है उनके। हाँ यार, विदेशी में बच्चे तो बैग फुल करके आए हैं, और मतलब जो एडल्ट्स भी हैं उनके पास भी टॉयस रहते हैं। ये कितना प्यारा है। अगर ये रोबोट हो और अपने घर में रख लेना तो हमारा पूरा टाइम पास हो जाए। तो फाइनली रंजना का बिलिंग हो गया है, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। टाइम फॉर अनबॉक्सिंग, क्या हो सकता है आप बताइए। मुझे तो लगता है वही आएगा जो हम लोग ने चूज़ किया है, या ग्रीन वाला आएगा। सो नाइस, अच्छी लग रही है लेकिन, बहुत अच्छी है। और इसकी जो ये है ना, इसका ये इसके ये फेदर्स और इसका अटैचमेंट्स है, अटैचमेंट्स हैं, क्यूट। सो हमारे लिए ये विश मतलब गुड लक लाए, यही हम लोग चाहते हैं, और आप लोग के लिए भी। सो अभी हम लोग अपने टूर गाइड का वेट कर रहे हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। बारिश के बजे भैया, थैंक यू। रंजना, क्या लग रहा है शॉट यार पीछे, रियली थैंक यू, इट्स लाइक अमेजिंग अमेजिंग। So our guide, we are very safe with our guide. Everybody has to follow him, na? Yeah. Don't realize that actually at what height we are, but when we look at the other ropeway, then we realize, oh my God. What would be the height? 1,500 meters. Oops. Yeah. 1,500. 1,500 meters. I think when the come back, you should stay on the Ba Na Hills one night. It's a big difference. Yeah. And there are Marriott hotels and all, so people book there also. Yeah. They stay. Oh, he's saying nice. Right, you should stay. Yeah, you should booking before. Like yeah, it will be good, you know, experience when we wake up and this scene is there, right? Yeah. Guys, पीछे का नजारा देखिए, एकदम मस्त है. So we came in the morning, like it was winter, cold. Afternoon it was like summer, and now it's raining. Raining, all three seasons. तो गाइस, आज बाना हिल्स का ट्रिप यहीं एंड करते हैं। आगे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में अब जाएंगे अपने होटल, और थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे। तो हमें तो बहुत ही मजा आया, आप भी आइए, हम लोग के संग आपको भी बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, करिए हमारे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और कल ब्लॉग में दिखेगा हमारा ट्रैवल, जो कि दा नंग से हम लोग करेंगे हनोई में। Yes. तो हनोई को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग एक्साइटेड है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। See you. Bye.